आज हम करेंगी द सेल वाले चैप्टर के ये फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी और फॉल्स के लिए एफ लगाएंगे। अब इसमें दे रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी। जो यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, उसमें एक सेल होती है। हमने दो टाइप की सेल्स पढ़ी थी, राइट? कौन कौन सी पढ़ी थी? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हाँ, यूनिसेलुलर में क्या होता है मैम? एक ही सेल होती है। ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होती है। वेरी गुड। यूनिसेलुलर में क्या होता है जिसमें एक ही सेल होती है? वेरी गुड। क्लैप फॉर प्रियांशी। वेरी गुड। यूनिसेलुलर में केवल एक ही सेल होती है, और मल्टी सेलुलर में कितनी सेल्स होती है? दो या दो से ज्यादा। मल्टी सेलुलर में कितनी सेल्स होती है? बहुत सारी सेल्स होती है, इसीलिए तो मल्टी हो गया ना, वो बहुत सारी सेल्स होती है, उससे मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनमें एक ही सेल होती है उनकी बॉडी में? तो बिल्कुल, ऑफकोर्स एक ही सेल। यूनिसेलुलर का मतलब ही एक ही सेल होना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब यहाँ पे दे रखा है मसल्स आर ब्रांचेस। मसल सेल में ब्रांचेस होती है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा, नहीं होती है राजा। मसल सेल में क्या, देखो हमने यहाँ पढ़े थे ब्लड सेल पढ़ा था, ये है हमारी मसल सेल जो कि स्फेरिकल आकार में होती है, है ना। और नर्वस सिस्टम में ब्रांचेस होती है जो हमारे ब्रेन तक जाती है, जो हमारे को क्या करती है, मैसेज देती है कि एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपके कोई पिन छुपाए तो आप क्या करते हो, वहां से हाथ हटा लेते हो, तो वो किसका काम होता है? ये नर्वस सेल का काम होता है जो हमारे को मैसेज देती है। तो उसमें क्या होती है? ब्रांचेज होती है, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होएगा, कि मसल सेल्स में ब्रांचेस तो ना होती है, वो तो नर्वस सेल में ब्रांचेस होती है, ठीक है। द बेसिक लाइफ यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। जो बेसिक यूनिट लाइफ होती है वो क्या होती है? सेल होती है बाबू, ऑर्गन नहीं होती है। जो बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मतलब एक इकाई जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती है, बॉडी को बनाती है, वो कौन बनाती है? सेल बनाती है, ना कि ऑर्गन। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। तो यहाँ पे ये दे रहा है द बेसिक लाइफ लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, तो नहीं, इसमें आना चाहिए फॉल्स। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो बेसिक यूनिट कौन सी होती है ऑर्गेनिज्म की? सेल होती है, और सेल मिलके बनते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। यस, अमीबा हैज इनरेगुलर शेप। क्या अमीबा के इनरेगुलर शेप होता है? यस टू नो? यस, ये ट्रू है। वेरी गुड। चलिए ये हम पजल देखेंगे, इसको सॉल्व करो। कंप्लीट द अक्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लू गिविंग ग्लो। आपको क्या करना है? क्लू दिए हुए है, और आपको उसकी हेल्प से क्या करना है? इन बॉक्सेस को फिल करना है, अक्रॉस करना है। दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल। यस, वेरी गुड वेरी गुड। त्रिशा के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ लिख लो क्लोरोफिल। मैंने तो ढूंढे थे। हाँ लिख लो। टर्म्स और कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, टर्म बताओ जिसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या होता है साइटोप्लाज्म में? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब है हमारे पास द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। जो लिविंग सब्सटेंस होता है उन जो उनकी सेल में होता है, क्या होता है उनकी सेल में? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्म। लिख लिया ये सबने? यूनिट ऑफ एंडरहैंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेजेंट करते हैं, किसे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। जीन्स, हमारे जीन्स ही तो होते हैं, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते हैं। वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड। अब हम नीचे की तरफ आएंगे, अप टू डाउन। ग्रीन प्लास्टिड्स कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्टिक्स। ग्रीन प्लास्टिड्स कौन से होते हैं? फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन। क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो टिश्यूज से कलेक्ट करते होते हैं। मैंने क्या बताया था कि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑर्गन्स। नेक्स्ट है, इट सेपरेट्स टू कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। ये क्या करती है? सेपरेट करती है जो कि आसपास में जो मीडियम होता है उसको मिक्स होने से क्या करती है? ये सेपरेट करती है। और वो कौन सी चीज है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या बेटा? मेम्ब्रेन। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और सेल के ऊपर भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो वो क्या करती है? इन दोनों को मिलने से बचाती है। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एम्प्टी स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में खाली जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? वैक्यूल। कल ही हमने पढ़ा था। वैक्यूल्स, वेरी गुड, वैक्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म में खाली जगह होती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू। अभी बताया था टिश्यू। वेरी गुड, कीप, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। क्लैप फॉर योरसेल्फ।
मैम मैंने ना एक और का आंसर भी ढूंढा था फोर्थ क्वेश्चन का। क्या बेटा? मैम मैंने सेकंड फोर्थ और ना फिफ्थ का आंसर ढूंढा था। अच्छा आपने ढूंढा था, सेकंड का आंसर। इस बात को हमेशा याद रखना कि सेल क्या करती है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, है ना। और सेल से ही मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज। और अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, है ना। इससे सारे आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे सेल से रिलेटेड। सेल में क्या क्या होता है हमारी, क्या मैम सेल में क्या क्या होता है, सेल में मैम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारे को ये फायदा होता है कि हमारे को क्लास में ही लर्न हो जाती है मोस्ट ऑफ द थिंग। अब आप इस लेसन को रीड करो, है ना। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। एक मिनट, मैं आ रही हूँ, है ना। यस मैम।